नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का सच। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मोहित जी। सर कब से आ रहे हैं आप डेरा के अंदर? 10 साल हो गए जी, 10 साल से जुड़े हैं सर। 10 साल आपको हो गए, कैसा माहौल देखा है आपने डेरा के अंदर? जी बहुत ही अच्छा माहौल है। हमें जब जितना भी समय मिलता है हम इस सेवा में आते हैं, हमें सेवा करके बहुत सुकून मिलता है। गुरुजी पर जितने भी आरोप लगे हैं सभी बेबुनियाद हैं और हमें पूरा विश्वास है कि गुरुजी हमारे जल्दी से जल्दी हमारे बीच आएंगे। सर लड़कियां जो डेरे जाती हैं क्या लगता है, सुरक्षित हैं? बहुत सुरक्षित हैं जी। यहाँ पे पूरी दुनिया में कहीं ऐसा सुरक्षित जगह नहीं है जहाँ यहाँ मिलती है। सर जो माताएं बहनें आती हैं तो आपकी आती हैं क्या माताएं और जो भी घर से फीमेल्स लेडीज आती हैं? हाँ जी, हाँ जी जरूर, हमारे भी हर हफ्ते बस आती है जी। उसमें हमारी सेवा लगती है, जैसे भी समय मिलता है मम्मी आ गए पापा आ गए टाइम निकाली जाते हैं। सर आज संत जी के खिलाफ सूत्रों के हवाले से कई खबरें चला जा रही हैं, क्या कहना चाहोगे? जी वो बस बेबुनियाद है, सर जैसे मर्जी बोली जा रहे हैं जी। तो क्या कहते हैं जी, चिट्ठी के आधार पे किसी को सजा सुनाना बिल्कुल ही बेबुनियाद है। गुरु जी बिल्कुल ही निर्दोष हैं, जल्दी से जल्दी हमारे बीच होंगे। सर आज संत जी समाज के बीच में नहीं है तो क्या लगता है कितनी बुराइयां जो फैल रही हैं समाज में उनके ना रहने से? उनके ना रहने से हमारी दुनिया में बहुत बुरा हाल हो रहा है। जैसे आपको पता ही है कोरोना आ गया है और उसके बाद जो ये किसानों वाला मसला है और भी दुनिया पे भारी संकट आ रहा है और आने की संभावना है। उन्होंने पहले ही हमें बता दिया था, संकेत दे दिए थे कि ऐसा दिन भी जरूर आएगा। सर आज समाज में संत जी की जरूरत है लगता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी, जितना जल्दी हो सके बस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर क्या उनके टीचिंग, क्या मतलब उन्होंने शिक्षाएं दी है, मतलब क्या अच्छे कार्य करवाए हैं संत जी? उन्होंने 134 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, जैसे कि अंधों को आँखें देना, खूनदान करना और सफाई अभियान इत्यादि। सरकार से क्या अपील करोगे? सर सरकार से अपील करते हैं कि गुरु जी को जल्दी से जल्दी बरी कर दिया जाए और हमारे बीच हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका यही कहना है संत जी अगर नहीं आए तो ये जो देश का बुरा हाल हो रहा है, नशा रेप केसेस जो बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, वो कभी ना कभी तो आपके घर की चौखट को जरूर दस्तक देंगे, आज नहीं तो कई साल बाद। क्योंकि आज गली गली में जो लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, संत जी ने कैरेक्टर बिल्डिंग का जो कार्य स्टार्ट किया था उनके फॉलोअर्स 100% उस पर एग्री करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। संत जी की जो टीचिंग्स हैं लेसन्स हैं वो आज उसके कारण संत जी के यहाँ इतना सेफ प्लेस है कि वहाँ पर जाने वाली हर एक महिला से अगर पूछा जाए कि कितना सुरक्षित महसूस करते हो, वो कहती हैं यहाँ से ज़्यादा हम कहीं सुरक्षित महसूस नहीं करते। ये था डेरा सच्चा सौदा का असली सच। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत